आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। मुझे आमंत्रित किया गया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम आयोजक कमेटी स्पेशली राकेश महाली जी का। आज हमारे आदरणीय आदिवासी संगठनों में एक्टिव भाई महेंद्र कन्नौज जी आज यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उनके घर में दुर्घटना घटी जिसकी वजह से वो हमारे बीच नहीं आ पाए। तो उनके स्थान पर आज मुझे अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए संविधान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर आमंत्रित किया गया। तो आज के हमारे तमाम अतिथि गणों को, तमाम सगा भाई बंधुओं को, मातृशक्ति पितृशक्ति युवा शक्तियों को इस पाटाखेड़ा की कोयलांचल भूमि में मैं आप तमाम मेरे मार्गदर्शकों को सेवा 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 जोहार जय भीम सलाम लाल सलाम अर्पित करता हूं। आप स्वीकार करें। मेरा नाम देवरावन भलाबी है और मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का प्रदेश प्रवक्ता हूं और जयस जय आदिवासी युवा संगठन के तमाम युवा साथियों से भी जुड़ा हुआ हूं और सतपुड़ा लॉ कॉलेज छिंदवाड़ा का मैं BA LLB का भी छात्र हूं। सगा साथियों, संविधान की मैं पढ़ता हूं इस विधि को और अमल भी करता हूं। उसी कड़ी में अपने विचार आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा। अपने इस आदिवासियों के मूवमेंट को लेकर बचपन से ही मैं जुड़ा था। बहुत सारे संगठन है, किसान संघर्ष समिति, मेधा पाटकर, आराधना भार्गव एडवोकेट और तमाम हमारे गुणवाना मूवमेंट से जुड़े हुए, अंबेडकरवादी मूवमेंट से जुड़े हुए समान साथियों से मैं जुड़ा। एक नई उम्र में एक युवा साथी जब अंबेडकरवादी मूवमेंट को जानता है, समझता है, विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को जब पढ़ता है तो उसके अंदर एकदम से परिवर्तन नहीं आता। बहुत सारे सवाल और जवाब संविधान के खिलाफ भी और संविधान को लेकर भी उसके दिमाग में आते हैं, क्योंकि वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि भारतीय संविधान को लेकर अच्छी और बुरी बातें लोगों के द्वारा प्रसारित भी किया जा रहा है। लेकिन हमारे युवा पीढ़ी और बहुत सारे साथियों के समक्ष एक महत्वपूर्ण और स्वच्छ जानकारी का अभाव होता है। लेकिन हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस प्रकार के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करके संविधान के उस मूलभूत बातें जो हमारे सामने कुछ लोग उल्टी सीधी बातें प्रस्तुत करते हैं उसी बात को सीधे तरीके से समझाने के लिए हमारे समक्ष मैडम भांगे मैडम भी उपस्थित है, तमाम हमारे मुख्य अतिथिगण उपस्थित है। आप तमाम साथियों से मैं कहना चाहूंगा, आज का दिन है, आज का वो दिन है कि हम प्योर संविधान क्या होता है, संविधान की उस प्रस्तावना को जानने के लिए और संविधान की सही बातें को समझने और अमल करने के लिए आज के दिन हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन में से एक होने वाला है। अपने लिए आप जोरदार ताली बजाएं। मैं जिस कॉलेज में संविधान को पढ़ता था, कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के विचारधारा वाले लोगों के माध्यम से अगर इसी संविधान का व्याख्यान आपके समक्ष किया जाए, एक ऐसी विचारधारा जो इस संविधान की विरोधी है, ऐसे विचारधारा के लोग अगर इसी संविधान का व्याख्यान करें, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाएं, तो आपको विश्वास नहीं होगा। जिस संविधान को हमें पढ़ के देश हित में, राष्ट्र हित में जो काम करना चाहिए, लोग उसी संविधान को पढ़ के कुछ लोग बहकने में लगते हैं। सिर्फ एक वजह यह होती है कि उसके व्याख्याता अगर सही ना हो, उसकी विचारधारा सही ना हो, तो वो संविधान को भी गलत रूप में हमारे बच्चों के दिमाग में प्रस्तुत करता है और उसके खिलाफ बहुत प्रकार की अभद्र चीजें होती हैं। आप लोगों को मैं ये भी सूचित कर दूं कि इस संविधान को पढ़ते हुए, समझते हुए, जब मैं इस मूवमेंट से जुड़ा, जब अपने तमाम आदिवासी संगठनों से मैं जुड़ा, जब मैंने देखा जैसे आदरणीय स्पीकर उन्होंने कहा कि किस प्रकार से जुल्म सह रहा है ये समुदाय, जब हमने इसको देखा तो आपको विश्वास नहीं होगा। मैं संविधान के पालन करते हुए, इसको मानते हुए, मैंने ऐसे भी दिन देखे कि अपनी इस 22 से 23 साल की उम्र में 21 दिन जेल की यात्रा किया हूं मैं न्याय के लिए। 21 दिन जेल में मैं रहा। हम लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारे खून में न्याय के लिए लड़ने के लिए
हम किसी भी हद तक गए हैं, ये हमारे पुरखों का इतिहास लगातार बोलता है। हमने अन्याय के खिलाफ हमेशा सर उठा के बोला है। हमारे ST/ST OBC माइनॉरिटी समुदाय के लोगों ने हमेशा डट के अन्याय के खिलाफ मुकाबला किया है। लेकिन अगर किसी ने सर झुकाने की अगर बात की तो हमने सर कटा लिया, लेकिन कभी सर झुकाने का काम नहीं किया। ये हमारा इतिहास गवाह है। सगा साथियों, मैं एक आदिवासी समुदाय से हूं तो मैं आपको बता दूं, आज बस्तर में मेरा आदिवासी समुदाय जब अपनी जल जंगल जमीन के लिए लड़ता है तो कहीं ना कहीं इसी संविधान के विभिन्न अधिकार 5th शेड्यूल 5वीं और 6वीं अनुसूची के लिए लड़ता है। जब वो स्वशासन की उस संविधान में जो स्वशासन का अधिकार उसकी बात करता है तो उसको लेकर हम देख रहे हैं नक्सलाइट बोलकर आज हमारे सैकड़ों हजारों लाखों आदिवासियों को मारा जा रहा है। कमी बस यही है कि संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उस समय संविधान को लेकर बड़ा मूवमेंट खड़ा किया था और लड़े। आज संविधान के वो निर्माता हैं। हम देखते हैं कि उनका आंदोलन कितना स्वच्छ और कितना बेहतरीन तरीके से था। आज हम एक छोटे छोटे आंदोलन करते हैं और हमें उठा के जेल में डाल दिया जाता है। हम छोटे छोटे मूवमेंट अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, हमारे साथियों को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन सोचिए उस समय, जिस समय हमारे महानपुर के संविधान जिस समय बन रहा था, जिस समय संविधान विरोधी और संविधान बनाने वाले अच्छे लोग भी थे, उस समय जब उनका आंदोलन रहा तब उन्होंने कितनी सावधानी से आंदोलन किया होगा कि उन्होंने बहुत कम जेल का सफर किया, बहुत कम वो जेल में रहे। कहीं ना कहीं संविधान की समझ ना होने की वजह से हम कई प्रकार से जेलों की यात्राएं और विभिन्न प्रकार की ऐसी धाराओं में फंस जाते हैं जिसमें हमें नहीं फंसना चाहिए था। जो हमने काम नहीं भी किया होता, ऐसे कामों में, ऐसी धाराओं में हमें जेल के अंदर भर दिया जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा, मध्य प्रदेश की जेलों में 80% से भी ज्यादा आदिवासी या बेगुनाह आदिवासी भरे हुए हैं। उनके लिए लड़ने भिड़ने वाले हमारे जयस के युवा साथी, भीम आर्मी के युवा साथी और तमाम युवाओं संगठन के युवा साथी आज भी लड़ रहे हैं। हमने भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी हमने देखा, आस्था जी, उनको भी न्याय के लिए जब एक युवा साथी लड़ता है उनको भी जेल में डाल दिया गया। कल ही उनकी रिहाई हुई थी। हम लगभग सभी तरफ से देख रहे हैं कि आज युवा जो खुलकर इस संविधान की एक तरफ लोग बात करते हैं, दूसरी तरफ उसी संविधान को अमल कर रहे हैं। तो अमल करने वाले जो युवा साथियों को आज बार बार जेल में डाला जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे संविधान को जानने वाले लोगों के बीच हम लोग कम्युनिकेशन नहीं बना पा रहे हैं। जो हमारे बीच में गैप बनने की वजह से, संविधान का सही नॉलेज नहीं होने की वजह से हम कई बार ऐसे गैर संवैधानिक तरीके से न्याय की मांग करने लगते हैं जिस वजह से हमें ऐसे जेलों का सफर करना पड़ता है। आप तमाम बुद्धिजीवियों और मैं भी यहाँ पर सीखने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं एक छात्र हूँ, विधि का छात्र हूँ। तो आज मैं संविधान को मानता भी हूँ और संविधान को अमल करता भी हूँ। इसलिए मेरे लगातार पूरे मध्य प्रदेश में मैं आंदोलन करता ही रहता हूं, गरीब तबके के लोगों के लिए, शोषित लोगों के लिए। और बहुत सारे युवा साथी मुझे साथ देते हैं। आज यहां पीली पगड़ी में ऐसे युवा साथी बैठे हुए हैं जो लगातार आधी रात को भी हमारे साथ खड़े होकर अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दूर दराज गाँव से आए हमारे माताएं बहनें, हमारे युवा साथियों, आज हमारा वो दिन है सीखने और समझने का। आज के दिन आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। इसलिए आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप आज के पूरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुने, अमल करें और आज कुछ नया सीख के जाएं। आज संविधान दिवस के इस उपलक्ष्य में हम आने वाले समय में एक ऐसी क्रांति लाएंगे जो अभी तक किसी ने सोचा नहीं होगा। हमारा आज का दिन परिवर्तन का दिन है आज के लिए। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, सीखें, समझें, अमल करें। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा 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 जय हिंद, जय भारत।